जब अश्वत्थामा को छोड़ा गया दो चार दिन तो वो शांत रहा, लेकिन उसके भीतर प्रतिशोध की भावना और ज्यादा बढ़ गई। और तब उसको पता चला कि अर्जुन का विवाह सुभद्रा के साथ भी हुआ है। सुभद्रा और अर्जुन के बेटे हुए हैं अभिमन्यु, जो चक्रव्यूह भेदन के समय मारे गए। लेकिन अभिमन्यु की पत्नी है उत्तरा, जो गर्भवती है, और उत्तरा के गर्भ में पांडव वंश का एकमात्र कुलदीपक। और जब अश्वत्थामा को ये बात पता चली तो अश्वत्थामा ने उत्तरा के गर्भ में ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया। और जब ये बात पता चली पांडवों को तो अर्जुन इत्यादि ब्रह्मास्त्र छोड़ना तो जानते हैं, लेकिन ब्रह्मास्त्र को लौटाया कैसे जाए या ब्रह्मास्त्र को रोका कैसे जाए ये पांडव भी नहीं जानते। और जब उत्तरा ने अपनी ओर आग के गोले को आते हुए देखा तो एक तरफ से पाहि पाहि महायोगिन देव देव जगतपते, हे जगतपति कृष्ण पाहि माम कहते हुए उत्तरा भगवान कृष्ण की ओर भागी है, और दूसरी तरफ से परम बुद्धिमती महिला भक्तिमती कुंती भागी हैं। कुंती को पता है कृष्ण रथ पर बैठ चुके हैं और कृष्ण द्वारिका के लिए प्रस्थान कर रहे हैं। कुंती हाथ जोड़ के कृष्ण के रथ के सामने खड़ी हो गई हैं और भागवत जी के प्रथम स्कंद के 8वें अध्याय के 18वें श्लोक से प्रथम स्कंद के 8वें अध्याय के 43वें श्लोक तक, मतलब 26 श्लोकों में भक्तिमती कुंती ने भगवान गोविंद से प्रार्थना की है। और कुंती की प्रत्येक प्रार्थना बस प्रारंभ इसी से होती है कि उत्तरा के गर्भ की रक्षा करो, और प्रार्थना का अंत भी यही कहता है कि हे गोविंद हमारी पुत्र वधु उत्तरा और उत्तरा के गर्भ को बचा लीजिएगा। 26 श्लोकों में देवी कुंती ने जब प्रार्थना की तब भगवान ने अंगुष्ठ स्वरूप धारण किया, अंगूठे के बराबर रूप धारण करके उत्तरा के गर्भ में प्रवेश कर गए। उस ब्रह्मास्त्र के प्रहार को भगवान ने अपने ऊपर लिया। समय बीतने पर जब उत्तरा ने संतान को जन्म दिया तो जब हमारे आपके घरों में बच्चों का जन्म होता है तो जन्म होते ही वे बच्चे रोते हैं ना, और रोते नहीं तो उनको रुलाया जाता है कि ये रोएं कम से कम। और पैदा होते ही जो हम रोना शुरू करते हैं तो जिंदगी भर फिर हमारा रोना समाप्त नहीं होता। पैदा होते ही जो रोए तो मरते दम तक रोते हैं, कभी धन के लिए, कभी संपत्ति के लिए, कभी माता पिता के लिए, कभी पति पत्नी के लिए, कभी बच्चों के लिए, कभी आस के लिए, कभी पड़ोस के लिए, कभी समाज के लिए, कभी इच्छाओं की पूर्ति के लिए। लेकिन उत्तरा ने जब बालक को जन्म दिया तो उस बालक ने जन्म लेते ही रोना नहीं, चारों तरफ देखना प्रारंभ किया है। क्या देखा? वो देख रहा है कि जिस सांवरी सूरत ने माँ के गर्भ में मेरी रक्षा की थी वो सांवरी सूरत, वो मोहिनी मूरत कहाँ है। चारों तरफ देखा है, इसलिए उस बालक का नाम रखा गया है परीक्षित। परी मतलब चारों तरफ, और संस्कृत की ईक्षण धातु से शब्द बना ईक्षित, चारों तरफ देखने वाला कहलाता है परीक्षित। और दूसरा नाम रखा गया विष्णुरात, विष्णु के द्वारा जिसका रक्षण हुआ है, विष्णु के द्वारा जिसकी रक्षा की गई है वो कहलाया है विष्णुरात। इस तरह से सम्राट कर्मयोगी परीक्षित का जन्म हुआ। समय बीतने पर पांडवों का महाप्रयाण, और पांडवों के महाप्रयाण के बाद सम्राट कर्मयोगी परीक्षित ने राज्यभार संभाला।